हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। खुदा उनका शुक्र है, मैं भी ठीक हूँ। और आज आप लोगों के लिए मैं रेसिपी लेके आई हूँ आलू गोश्त की, चिकन आलू गोश्त। और आप देखें कि मैंने घी डाल दिया इसमें। एक किलो गोश्त है और एक किलो आलू है और धनिया हरी मिर्ची है, टमाटर है, प्याज है। दो मैंने टमाटर लिए बड़े, दो मैंने प्याज लिए हैं और अदरक लहसुन के ये दो चम्मच, लाल मिर्च के डेढ़ चम्मच, धनिया पाउडर एक चम्मच, हल्दी एक चम्मच, नमक का भी एक चम्मच और धनिया हरी मिर्चें चंद लिए, ये बाद में जाएंगे। फर्स्ट सबसे पहले मैं प्याज डालूँगी। और प्याज मैंने डाल लिए हैं और प्याज ब्राउन होंगे तो प्याज के ब्राउन होने तक उसके साथ ही मैंने गोश्त डाल देना है। ये मैं डिफरेंट तरीके से आलू गोश्त बना रही हूँ, देखना है जी। ये प्याज ब्राउन हो रहे हैं, प्याज थोड़े से और डार्क होते हैं तो फिर मैं इसमें गोश्त डालूँगी। ब्राउन हो गया, इसमें चिकन डालने लगे। और बहुत ज़्यादा समोसा बना हुआ आज। आपको पता है कि 3 दिन 4 दिन हो गया लाहौर में बहुत बारिश हो रही है और बहुत ज़बरदस्त मौसम हुआ है। और कल हम ज़ियारत पे भी गए थे, आप लोगों को मैंने वीडियो भी दिखाई आपको है। वो भी वीडियो मिलेगी अभी, वो भी वीडियो मैंने अपलोड हो रही है, तो ये भी वीडियो आप लोगों को जरूर दिखाऊंगी। और फिर से बारिश स्टार्ट हो गई है, ये बूंदाबांदी शुरू हो गई है, तो मैं इसलिए कहती हूँ जल्दी जल्दी से रेसिपी बना लूँ। हम ज़ियारत से आके बहुत ज़्यादा थकावट हो गई थी, लेकिन मुझे फिर भी आप लोगों को रेसिपी देनी थी, इसलिए मैं आप लोगों के लिए रेसिपी बना रही हूँ। आप लोगों ने ये ज़रूर देखनी है और पूरी वीडियो देखनी है, और आप लोगों ने ज़रूर देखकर और इसी तरीके से बनानी है, क्योंकि मैंने डिफरेंट तरीके से बना रही आलू गोश्त, बहुत टेस्टी बनते हैं, बहुत कमाल के बनते हैं, आपने ज़रूर ट्राई करनी है। जब ये गोल्डन ब्राउन होंगे, चिकन ब्राउन होगा, तो फिर मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालूँगी, फिर साथ में वो ब्राउन होगा, भुना जाएगा, तो फिर साथ में मसाले डालूँ, नमक मिर्च हल्दी वगैरह। और गोश्त तो ज़रूर फ्राई किया करें, क्योंकि गोश्त टूटता नहीं है और जायकेदार भी बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़बरदस्त बनता है आलू गोश्त ऐसे। आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करनी है और देखें, ये काफ़ी ब्राउन हो गया, अदरक लहसुन जाने लगे, काफ़ी फ्राई मैंने कर लिया, आप देख सकते हैं। ये देखिए अदरक लहसुन का भी खासा इसकी बुनाई करके, तो बाद में मैं टमाटर वगैरह ये मसाले जाएंगे इनमें सारे। अभी अदरक लहसुन को हल्का हल्का फ्राई कर लें ताकि इसकी जो खुशबू होती है वो मर जाए। आपको पता है इनकी खुशबू बहुत अजीब सी लगती है, इसलिए मैंने इसको हल्का सा भूनना है। भूनने के बाद मैंने फिर टमाटर मसाले वगैरह डाले। देखिए मसाले जाने लगे हैं, अदरक लहसुन की बुनाई के बाद ये मसाले जाएंगे। मैंने हल्का सा पानी डाला, आधा गिलास पानी का डाल के, तो ये देखो टमाटर जाने लगे हैं। जब ये इनका पानी खुशक होगा तो मैं ये इसका पानी खुशक होने तक फिर बाद में आलू डालूँगी, पानी खुशक होगा। मैंने इसमें टमाटर डाले थे और इसकी बुनाई कर दी है, अब इसी में मैं आलू डालूँगी, क्योंकि अभी गोश्त कच्चा है, तो इसी में आलू और ये गोश्त दोनों पक जाएंगे, क्योंकि फ्राई किया था। फ्राई करने के बाद मैंने मसाले डाले हैं, तो थोड़ा सा पानी डाला था, टमाटर डाले हैं, तो ये देखिए बहुत अच्छा बन गया। ये देख सकते हैं इसकी तरी, देखें इतनी ज़बरदस्त लग रही है। अब इसमें आलू जाएंगे, आलू की बुनाई करने के बाद मैं पानी डालूंगी। आलू डाल रही है मम्मा, आलू मैंने डाल दिए हैं, देख सकते हैं आप, आलू डाल दिए हैं। आलू इसी घी में फ्राई होंगे, इसकी बुनाई करके तो बाद में पानी डालूंगी। जी ये देखें आलू की भी बुनाई हो गई है, तो मैं इसमें पानी डालने लगी हूँ और मैंने इसके साथ चावल बना रही हूँ, तो चावलों के हिसाब का पानी डालूंगी, क्योंकि पानी इसमें थोड़े से पकने भी आलू तो खुशक भी होने। और ये देख सकते हैं इसमें 1 लीटर पानी है, ये देखें, ये देखें, और इसकी तरी देखें इतनी अच्छी है, ये देख सकते हैं। और धनिया हरी मिर्चें जो हैं वो आखिर में जब आलू वगैरह पक जाएंगे तो उसके ऊपर डालूँ गार्निश करने के लिए। इसमें मैं थोड़ा सा धनिया डालने लगी हूँ, ये देख सकते हैं, और बाद में ये थोड़ा सा और डालूँगी गार्निश के लिए, बस इतना सा धनिया और 2-3 हरी मिर्चें जाएँगे, ये देख सकते हैं। गोश्त वगैरह हो गए हैं, इसको 5 मिनट सिर्फ मैंने रखना है, तो 5 मिनट में उतने देर धनिया वगैरह भी ज़रा अच्छी तरह गल जाएगा, तो हरी मिर्ची भी ज़रा सर दिखाएंगे अपना, तो उसके बाद मैं उतार दूँगी 5 मिनट के बाद।
सालन बनी है, आप देख सकते हैं बहुत ज़बरदस्त बना है, इसकी खुशबू बहुत कमाल की आ रही है। देखें ना गोश्त टूटा है और ना आलू टूटे, आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं। और इसी तरीके से आपने बनानी है और आपने ज़रूर देखनी है वीडियो मेरी, और आप लोगों ने मुझे बताना है, कमेंट्स करने हैं कि मेरी आलू गोश्त कैसा बना है। और इसके साथ मैं अब चावल बनाने लगी हूँ, और ये देख सकते हैं इसके ऊपर ग्रेवी भी बहुत ज़बरदस्त आई है, ये देखें, और धनिया बहुत अच्छा लग रहा है। और अभी डिश आउट करके अभी चावल बनाने लगी हूँ, चावल बनाने के बाद डिश आउट करके दिखाऊँ जी। देखिए एक प्याज डाला है और एक प्याली घी की डाली है मैंने, और अब मैं चावल बनाने लगी हूँ। और ये प्याज ब्राउन होंगे तो इसमें पानी जाएगा, एक चम्मच नमक का जाएगा, तो फिर चावल डालूँगी जी। प्याज ब्राउन हो गया, इसमें पानी डालने लगी हूँ, नमक चम्मच नमक का जाएगा इसमें, मैंने अभी थोड़ा सा पानी डाला, थोड़ा सा और डाल के फिर उबाल आएगा तो चावल डालने लगी हूँ। उबाल आ गए हैं, चावल जाएंगे तो अब चावलों का पानी खुशक होगा तो फिर दम पे लगा देंगे। इसका पानी खुशक हो गया है, अब इसको मैं दम लगाने लगी हूँ, तो दम के बाद डिश आउट करूँगी। 5 मिनट का दम मैंने लगाना, 5 मिनट का दम लगाना। आज गैस बहुत कम आ रहा था लेकिन फिर भी मैंने खाना वगैरह तैयार कर ली है जी। ये देखें मैंने डिश आउट कर ली है, आप देख सकते हैं चावल भी और सालन बड़ा कमाल का बना है। और अब हम खा के आपको बताएंगे, अभी मैंने वैसे टेस्ट किया है तो बहुत ज़बरदस्त बना है। डिश आउट आप देख रहे हैं मैंने किया है और बहुत कमाल का, इसका गोश्त वगैरह बिल्कुल टूटा नहीं है और आलू भी गल गए हैं, तो बहुत कमाल की डिश बनी है। आप लोगों ने ज़रूर देखना है और ट्राई करनी है बना के, और कमेंट्स करने हैं और लाइक करना, सब्सक्राइब करना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मेरी वीडियो को देखते हैं, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी। ओके बाय।